हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्जन एक्सप्लोर्ड। कभी कभी ना कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग और स्ट्रेसफुल होता है एंड दिस मेक्स मी नेग्लेक्ट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड नीड माय अटेंशन। मुझे अपने घर को संभालना हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड आई लाइक डूइंग थिंग्स एट माय ओन पेस। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है तो गर्मी भी थोड़ी कम ही है। और आज ज्ञान के स्कूल में लास्ट एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के बाद सारे बच्चों ने मिलकर सेलिब्रेट किया, अपने ही स्कूल में खेला और फिर उसे वापस लेके घर आने के बाद मैंने आज सोचा कि मेरा जो लिविंग एरिया है उसका मैं थोड़ा सा मेकओवर कर लेती हूँ। तो एक रात पहले ही रूम को अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर लिया था मैंने ताकि नेक्स्ट डे में मेकओवर स्टार्ट कर सकूँ। इस एरिया में मैंने एक नया कारपेट बिछा है जो रिसेंटली ही मैंने अमेजोन से परचेस किया है और फिर इसके ऊपर ग्लास टेबल को प्लेस कर दिया है। ये जो ग्लास सेंटर टेबल है बहुत ही भारी है और बड़ा है तो दो लोग मिलके ही इसे हैंडल करना होता है। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना मेकओवर, फर्नीचर्स की थोड़ी बहुत प्लेसिंग चेंज करके एंड सोफा कवर्स को चेंज करके, कुशंस की प्लेसिंग चेंज करके। इस तरह के मिनिमलिस्टिक मेकओवर्स एंड चेंजेस मैं बीच बीच में करती रहती हूँ मेरे घर में जहाँ भी मैं स्टे करती हूँ, क्योंकि हमारे घर का जो लुक होता है वो हमारे माइंडसेट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक तरह का डिकोर देख देख के कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस फील होने लगता है तो थोड़ा बहुत अगर इस तरह से आप चेंज कर देते हो अपने घर के डिकोर को, लाइक फर्नीचर्स की प्लेसिंग चेंज कर देना, थोड़ा सा डिकोर को चेंज कर देना, फर्निशिंग को थोड़ा सा चेंज कर देना या फिर रिप्लेस कर देना दूसरे रूम के साथ, तो इंस्टेंटली उस एरिया का जो लुक है वो नया लगने लगता है और अच्छा लगता है। अभी बहुत टाइम हो गया है मैं आपके साथ अपने लाइफस्टाइल को शेयर करती आ रही हूँ और कभी कभी मैं अपने काम को खुद भी रिव्यू करती हूँ टू मेक माय कंटेंट्स मोर बेटर। हाउएवर मैं ब्रेक्स लेना भी पसंद करती हूँ एंड देयर आर स्लोअर डेज व्हेन आई प्रीफर डूइंग नथिंग एंड जस्ट चिलिंग विद माय फैमिली। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे कि सुबह उठने के बाद से ही कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम लेजी फील होने लगता है। जो डेली रूटीन होता है उसको भी फॉलो करने में मैं स्लो हो जाती हूँ। उस दिन मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं लेती करने के लिए, लाइक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ DIY। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मतलब एक ही दिन में मैं बहुत सारा पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट कर लेती हूँ, स्पेशली दिन के टाइम में, क्योंकि आफ्टरनून वाला जो टाइम होता है वो सिर्फ कियान के लिए ही होता है, क्योंकि उस टाइम कोई मेड नहीं रहती तो कियान पूरा टाइम मेरे साथ ही होता है। उस टाइम कुछ करने का सोचूं भी तो उसको साथ लेके ही करती हूँ। लाइक कुछ छोटा मोटा सामान ऑर्गेनाइज करना हो तो उसकी हेल्प ले लेती हूँ या फिर इंडोर प्लांट्स की केयर करना हो तो उसको मैं साथ ले लेती हूँ। इस तरह से वो भी अभी सीख गया है अपनी चीज़ों को अपनी जगह में रखना, लाइक जब वो टॉयज़ के साथ खेलता है तो किस बास्केट में कौन सा टॉय उसे रखना है वो जानता है और खेलने के बाद वहीं पर वो उन सारी चीज़ों को रख देता है। मिनिमलिस्टिक मेकओवर्स का और एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ जगह जो हर रोज़ बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, लाइक बुकशेल्फ्स वगैरह, वो एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम अच्छे से डीप क्लीन भी हो जाते हैं। मेकओवर के दौरान ही मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा एक टेस्टी सा चॉकलेट ड्रिंक बना लेती हूँ। ये बहुत ही इजीली बन जाने वाला एक ड्रिंक है जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसके लिए एक मिक्सिंग जार में मैंने ले लिया है दूध, कोको पाउडर, चीनी, डेयरी मिल्क चॉकलेट और चॉकलेट सिरप। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड कर लेना है और बस आपका टेस्टी सा डिलीशियस सा चॉकलेट ड्रिंक बन के तैयार है।
ये जो ग्लास जार्स आप देख रहे हो ये मैंने विशाल मार्ट से लिया है जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था। बहुत ही सुंदर है। इनको मैंने इस तरह से चॉकलेट सिरप से कोट कर लिया है और इनमें मैं डाल रही हूँ हमारा टेस्टी सा चॉकलेट ड्रिंक और फिर मैं इनको फ्रीजर में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूँगी। बचपन से ही मैं देखती आई हूँ मेरी माँ किस तरह से अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करती आ रही है। माँ वर्किंग लेडी है तो सुबह जल्दी उठ के घर के काम करके मुझे तैयार करके फिर एक साथ हम निकलते थे स्कूल के लिए, फिर वापस आकर भी कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। और जब स्कूल्स बंद होते थे मतलब हॉलीडेज़ में माँ बाबा दोनों मिल के घर का काम करते थे, साफ सफाई एंड ऑल। बड़े होते होते पता चला कि एक घर को ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल रखने के लिए कितना सारा काम होता है डेली रूटीन में, लाइक डस्टिंग, मोपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, चॉपिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। आई फील अमेज्ड टू सी हर डू ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स एंड ब्यूटीफुली बैलेंसिंग हर लाइफ टिल टुडे। हाँ, कभी कभी वो भी थक जाती है और लो फील करती है एंड दैट्स वेरी नेचुरल। पापा भी मम्मी को घर के बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज आउटसाइड वर्क। दोनों मिलके घर को संभालते हैं और मुझे ये देखकर जानकर बहुत अच्छा लगता है दैट हाउ देयर रिलेशनशिप वर्क्स, हाउ दे सपोर्ट ईच अदर। फास्ट मूविंग वर्ल्ड दैट अप्रिशिएट्स बिग अचीवमेंट्स, ये छोटे छोटे पल ही तो है जो हमें बांधे रखती है और छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना भी सिखाती है। क्या आपने अपनी खुशी को ढूंढ निकाला है आज? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और साथ ही ये भी बताना कि आपको मेरे ये मिनिमलिस्टिक मेकओवर्स कैसे लगते हैं। मेकओवर को कंप्लीट करने के बाद हमने हमारे लिविंग रूम में ही बैठ के हमारा जो टेस्टी सा चॉकलेट ड्रिंक है उसको एंजॉय किया। ये चॉकलेट ड्रिंक बहुत ही इजीली बन जाता है और ड्रिंक को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हो चॉकलेट आइसक्रीम या फिर वेनिला आइसक्रीम, जो समर पार्टीज के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक हो सकता है अपने गेस्ट को देने के लिए।
तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।